बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सेल थ्योरी देखे, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उन्होंने 4 पिलर्स थे वो हमें बताए, लेकिन उसमें कई चीजें जो थी वो क्लियर नहीं हुई। क्या क्लियर नहीं हुआ कि सेल रिप्रोड्यूस किस तरह से होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है तो कैसे बनती है, या बनती है कि नहीं बनती है। तो इसको क्लियर करने के लिए मॉडिफिकेशन किया गया सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किन्होंने किया, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, एग्जाम में आता है ये, रुडोल्फ विरखो ने सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया 1855 के अंदर। ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया उन्होंने, उन्होंने सेल प्रिंसिपल दिया, और ये बहुत छोटी चीज है। सेल प्रिंसिपल दिया, लॉ ऑफ सेल लीनिएज जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ सेल लीनिएज, कि किस तरह से सेल जो है वो जीवित रहती है या एक सेल से दूसरी सेल बनती है। ओके, तो उन्होंने लैटिन में एक सेंटेंस दिया था, क्या सेंटेंस था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या है ये, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये उन्होंने कहा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या था, सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल जो पुरानी सेल है उस सेल से बनती है। नई सेल कब बनेगी, पुरानी सेल से। तो हम जानते हैं, हमने डिवीजन पढ़े हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कौन कौन से, मियोसिस एंड